बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं फालसे का शरबत। इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। एक पाव मैंने फालसे लिए हैं, अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। आप कलर वाले फालसे लीजिएगा, ख़राब गले हुए फालसे नहीं लीजिएगा। हाफ कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। खट्टा मीठा पसंद है उसी हिसाब से आप चीनी ले लीजिएगा। अगर मीठा पसंद है ज़्यादा चीनी ले लीजिएगा। एक टीस्पून काला नमक एक बॉल लेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फालसे को बॉल में डालेंगे, चीनी डाल देंगे। मैं आधी चीनी डाल रहा हूँ, बाद में मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं ऐड कर लूँगा। हाफ गिलास जितना पानी शामिल करेंगे, पानी हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना है। अब इस तरह का ब्लेंडर या कोई भी आपके पास ग्राइंडर हो, जूसर हो, उसमें आप इसे अच्छे से फाइन ब्लेंड कर लीजिए। दाना नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको पीस लीजिए, इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। पानी आपको ज़रूरत जितनी ज़रूरत हो उतना आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक गिलास से ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा। तो देखिए इस तरह का फाइन पेस्ट हमें चाहिए। इस तरह से अच्छे से पीस लें हमने इसको। अब हम एक जग लेंगे और इस तरह का स्टैंडर्ड लेंगे और इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं हम, मैंने इसमें लगभग एक गिलास पानी शामिल किया है। तो आप सारा इस तरह से छान लीजिएगा चम्मच की मदद से। इसका सारा पेस्ट निकाल लीजिए, जितना भी गूदा है वो निकाल लीजिएगा। अच्छे से इसको छान लीजिए चम्मच की मदद से इस तरह से, तो सारा पल्प निकल कर आ जाएगा इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर लें, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है हमने। तो देखें इस तरह से, जब इसका कलर इस तरह हो जाए, सारा इसका पल्प निकल जाए, तो इसको डिस्कार्ड कर दें। ये देख सकते हैं आप, तो मैं सारा पल्प मैंने इस तरह से निकाल लिया है इसका। अब अच्छे से निकाल लीजिएगा, ज़रा भी पल्प इसमें रहना नहीं चाहिए। सारा अच्छे से छान लीजिएगा इस तरह से चम्मच हिलाकर। अब सारा पेस्ट निकाल लीजिए। जब इस तरह इसके बीच रह जाएं गुठलियाँ, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो देखें सारा पल्प निकल चुका है। अब इसमें काला नमक शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसमें बर्फ शामिल करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो फ्रिज में रखकर इसको खूब ठंडा कर सर्व कीजिएगा। तो ये मेरा एक जग से थोड़ा कम बन करके तैयार है। मैंने इसमें से एक गिलास जितना पानी शामिल किया था, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनता है। तो देखें ये रेडी हो चुका है हमारा। बस इतना पतला रखना है, हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना। मैंने सारी चीनी शामिल कर दी थी इसमें। तो देखें मैंने इसे सर्व कर दिया है, गिलास में निकाल दिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। और ये दिल जिगर के लिए बहुत ही मुफीद होता है, गर्मी का दुश्मन है, गर्मी की शिद्दत को कम करता है। आप देख सकते हैं इसका लुक भी कितना ज़बरदस्त बना है ये, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है पीने में। तो आप इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।